Hello students, good morning. Standard 8 subject Sanskrit lesson number 3 Atmasraddhaya Prabhav. हमने first चित्र पदानी और second एक इसमें छोटे छोटे sentence दिए. अब आप देखो कि हमारा पूरा एक lesson story पर दिया है. तो अब थोड़ा ध्यान से समझ लेना. मैंने पूरे word भी नहीं, जो भी आते हैं थोड़े आपकी glossary में दिए हैं वो सब मैंने word पे लिख दिए. अगर थोड़ा छूट जाता है तो मैं जब lesson explain कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आपको ध्यान रखना. तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी है. आपने पिक्चर देखा होगा, पिक्चर के ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी एकलव्य वाली स्टोरी है. और इसका टाइटल क्या है, आत्मश्रद्धा या प्रभाव. आत्मश्रद्धा मीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रभाव मतलब इफेक्ट. कि हमारी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है. जो हमारे पास वो होता है ना, तो हम दुनिया की कोई भी सक्सेस को हम आराम से पहुंच सकते हैं, उसको पा सकते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि आत्मश्रद्धा का मीनिंग होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रभाव का मीनिंग क्या होता है, इफेक्ट. अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. अब लेसन में ध्यान रखना. एक बालक आशीत, एक यानी वन बालक यानी बॉय और आशीत यानी गर्ल्स. तस्य नाम एकलव्य आशीत. तस्य यानी इज, बॉय है यानी आपको पता चल जाएगा कि इज आएगा. नाम यानी नेम, एकलव्य यानी एकलव्य है और आशीत यानी वापस. वॉज क्या क्योंकि ये पास्ट टेंस है. सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, यहाँ सह का मीनिंग वापस इज होगा और धनुर्विद्या मतलब आर्चरी. तो आर्चरी के धनुर्विद्या मतलब आर्चरी. पठितुम यानी लर्निंग और इच्छति स्म यानी विष, यानी उसको क्या मन में विष थी कि मुझे क्या सीखना है. तो धनुर्विद्या यानी आर्चरी, धनुष बाण सीखना था उसको. सेकंड पैराग्राफ, एकदा सह द्रोणाचार्य से समीप अगच्छत. एकदा यानी वंश, द्रोणाचार्य यानी जो एक कौरव और पांडव के उनका नाम था, वो क्या था, द्रोणाचार्य. तो जो एकलव्य था उसको भी मन में बीस थी कि इतने महान गुरु है तो जो सबसे अच्छी आर्चरी सिखा सकते हैं तो मैं भी क्यों ना उनका स्टूडेंट बन जाऊँ, और क्यों मैं भी एक अर्जुन के जैसे एक अच्छा बाणावली यानी एक अच्छा आर्चर बन जाऊँ. तो उसके मन में बीस थी, तो वो बीस अपनी पूरी करने के लिए वो एक थी द्रोणाचार्य के समीपम अगच्छत. समीपम यानी नियर, यहाँ पर मैंने लिखा था. और अगच्छत यानी बैंड, यानी वो द्रोणाचार्य के पास गया. और अवगत यानी सेम उस लाइन में मैंने लिखा है कि उसने वहां जाके बोला, क्या बोला, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरा भवितुम इच्छामि. यानी उसने वो जो डायलॉग बोला है, आप देखो अंदर डबल कॉमा करके दिया है तो आपको याद रखना है. यहाँ पर गुरुदेव या गुरुदेव भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको टीचर लिखना है तो आप दोनों लिख सकते हो. अहम का मीनिंग आई होता है, अपि का मीनिंग ऑल्सो होता है और धनुर्धरा यानी आर्चर. भवितुम इच्छामि, भवितुम यानी टू बी और इच्छामि यानी भी, इसके मेरी भी इच्छा है कि मैं एक श्रेष्ठ आर्चर बनूं. कृपया मा स्वीकारो, यहाँ पर कृपया का मीनिंग होता है प्लीज और स्वीकारो का मीनिंग होता है एक्सेप्ट करो, यानी आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, मुझे भी आपका शिष्य बनना है. आचार्य प्रत्यवदता, आचार्य ने रिप्लाई दिया. प्रत्यवदता मतलब रिप्लाई, कि आचार्य ने क्या रिप्लाई दिया. वो भी वापस डायलॉग आता है. मैंने वर्ड पे सारे हार्ड वर्ड मीनिंग लिखे हैं, आप वो भी देख लेना. और मैं जब बोल रही हूँ उसी टाइम, अगर आपको लेसन में पेंसिल से लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो. तो प्रत्यवदता का मीनिंग होता है रिप्लाई, के जो एकलव्य ने जो बात बोली थी उसका आंसर क्या दे रहे द्रोणाचार्य. तो वो डायलॉग यहाँ पर दिया है, अहम यानी आय कौरवान पांडवान चौपाटिया में. द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि मैं सिर्फ कौरवास और पांडवास दोनों को ही सिर्फ मैं पाठिया में यानी टीच यानी मैं उनको ही सिर्फ पढ़ा सकता हूँ. अहम भवत शिष्य रूपेण स्वीकार करतुम न शक्नोति. अहम यानी आई, भवत यानी योर, शिष्य रूपेण शिष्य यानी स्टूडेंट, कि मैं तुझे स्टूडेंट के रूप में स्वीकार यानी एक्सेप्ट करतुम
न सक्नोमी, कर्तुम न सक्नोमी, दो वर्ड को मिला के उसका होता है, इसका मीनिंग होता है इज नॉट एबल, यानी मैं तुझे स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न भवत। देखो उसके गुरु ने जो बहुत अच्छी विष लेकर गया था कि मैं गुरु के पास जाऊंगा और मेरी सारी विष पूरी होगी, और यहाँ पर गुरु ने उसको आंसर दे दिया कि सिर्फ मैं कौरव और पांडव को ही पढ़ा सकता हूँ, मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता। ये सुनकर एकलव्य को अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी, आस्था थी, उसने सहज भी उसको यहाँ पर देखो आप, श्रद्धा का मीनिंग होता है पे शिथिला, यानी लेस न भवत, यानी डिड नॉट, उसकी जो श्रद्धा थी, उसकी जो गुरु भक्ति थी, उसमें उसका सहज भी मन डगम गया नहीं। हम क्या करते हैं जब टीचर कोई बात हमें सिखा दे, थोड़ा गुस्सा कर देते, मना कर देते, तो हम टीचर को देखते और ऐसे हमें मन भी थोड़ा बुरा लगता है कि टीचर ने मुझे ऐसा क्यों कहा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकलव्य को कोई उसके फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे रिस्पेक्ट देता था वैसे ही वो गुरु द्रोणाचार्य को रिस्पेक्ट देने लगा। आगे का नीचे का पैराग्राफ देखो, बाजू में पिक्चर दिखता है, इसमें आप देखो कि उसने क्या किया कि स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति और अचयत। अभी वो वहाँ से गया और जाके उसने सोचा कि मैं आगे क्या करूँ, मुझे एक अच्छा आचार्य तो बनना है और उसके लिए मैं क्या करूँ। तो वो गया और उसने क्या किया, आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति और अचयत, मूर्ति यानी स्टैच्यू और अरचयत यानी मेड, उसने वहाँ जाके एक मूर्ति को क्या कर दिया, बना दिया, तैयार कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। आपको जो भी वर्ड लिखना है लिखना। स प्रतिदिन मूर्ति अनमत, स यानी प्रतिदिन यानी एवरीडे, वो सुबह उठकर हर रोज क्या करता था, अनमत यानी जो स्टैच्यू बनाया था उसको बो डाउन करता था, उसको नमन करता था। और आगे की पढ़ाई वो कैसे खत्म करता था, तो प्रातः काल सायं पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यास अकरोत। वह प्रातः काल यानी मॉर्निंग और सायं पर्यंत यानी इवनिंग धनुर्विद्या अभ्यास यानी जो आर्चरी थी उसका अभ्यास यानी उसकी पढ़ाई उसको लर्न करता रहता था। अकरोत यानी डिड, सने सने सह, सने सने यानी स्लोली स्लोली, वो आपकी ग्लोसरी में दिया इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। कुशल यानी एक्सपर्ट, धनुर्धर यानी आर्चर, अभवत यानी पिकअप, यानी वो धीरे धीरे हर रोज ऐसी प्रैक्टिस करने लगा, धीरे धीरे वो एक अच्छा आर्चर, एक एक्सपर्ट, एक कुशल आर्चर वो बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छत। एकदा यानी वंस, तस्मिन् यानी बैट, वन यानी फॉरेस्ट, गुरु द्रोण यानी एक दिन फॉरेस्ट के अंदर कौन आए, तो ये गुरु द्रोणा पांडवे कौरवे च सह अगच्छत, यहाँ सह का मीनिंग बीत होता है, वो भी मैंने नहीं लिखा है। अगच्छत यानी कम, एक कुकुर तान दृष्टवा अपसत, एक यानी वन, कुकुर यानी डॉग, तान दृष्टवा, दृष्टवा यानी उसको इधर मैंने लिखा है सी, कि जैसे एक डॉगी ने एक तीनों को देखा उसने क्या किया, अपसत, अपसत यानी उसने बस का बात करना शुरू कर दिया। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति सह, और जैसे अर्जुन ने देखा कि मेरे गुरु को ऐसे कुत्ता देख रहा है, मेरे गुरु को ऐसे बात कर रहा है, बस रहा है, तो उसने क्या कर दिया, धनुष्यम उत्थापयति यानी उसके पास जो धनुष बाण था उसको उत्थापयति का मीनिंग क्या होता है, पिकअप, उसने अपने बाण को उठा लिया। तदेव एकलव्य बाणे, तदेव यानी उस टाइम एकलव्य बाणे, बाण यानी एरो, उसी टाइम वो मौके का फायदा उठाकर एकलव्य ने क्या किया, उसने अपने एरो से कुकुरस्य मुखम असिव्यत यानी जो डॉगी का मुंह था, मुखम यानी माउथ, उसको असिव्यत यानी पूरा स्टिच कर दिया। आप अपने थर्ड पिक्चर में देखेंगे पूरा अंदर दिखता है कि डॉगी को मुंह को ऐसे पूरे एरो से पूरा भर दिया है और डॉगी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, खाली एरो लगाकर उसका मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। द्रोणाचार्य एकत पेज नंबर 12 करो। एकत दृष्टवा यानी वो गुरु द्रोण
उधर ही खड़े थे, उन्होंने एक रश्वा यानी सो उन्होंने सारा मामला देखा और तत्र आगच्छत, और वहां से वो एकलव्य के पास आगच्छत यानी कम, तचम अपुच्छत, अपुच्छत यानी आज, तो ये उन्होंने बाहर जाके पूछा। कौन सा क्वेश्चन पूछा? कह तव आचार्य, कह यानी हूँ, हु इज योर टीचर, उन्होंने क्वेश्चन छोटा सा पूछा, क्या पूछा? कह तब आचार्य यानी हु इज योर टीचर, आचार्य यानी टीचर, तथा सह द्रोणाचार्य का मूर्ति अदर्शत है, और एकलव्य ने उसी टाइम वहाँ जो स्टैचू था द्रोणाचार्य का वो दिखाया, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य का मूर्ति अदर्शत यानी वहाँ पर उन्होंने वो मूर्ति को देखा। सो एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति। और देखो यहाँ पर एक स्टोरी, एक छोटा सा एक प्रसंग दिया था कि एकलव्य ने क्या किया, बहुत लंबी स्टोरी है पर यहाँ पर हमें छोटी स्टोरी दी है, और नीचे की जो तीन लाइन दी है वो तीन लाइन में हमारी लाइफ में जरूरी लेसन सिखाया गया है। क्या सिखाया? तो कि एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य ने हमें यानी दुनिया को एक बेस्ट प्रतीकम, प्रतीकम यानी एग्जाम्पल दिया। कौन सा? तो कि गुरु श्रद्धा यानी टीचर के प्रति की ग्रेट श्रद्धा, और स्वश्रद्धा यानी अपने आप की सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों का बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिया कि अपनी अपने आप उसने एक अच्छा आर्चर बन के दुनिया को दिखा दिया, और वो भी कैसा, एक अर्जुन को भी एक लेवल और ऊपर जाने का एक अच्छा आर्चर बन के दिखा दिया। एकलव्य अस्मान शिक्षयति, एकलव्य अस्मान यानी टू अस यानी वो हमें सिखाता है, शिष्य यानी टीच, वो हमें एक अच्छा लेसन सिखाता है। क्या? तो कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, स्वयं ज्योति यानी यहाँ पर मैंने लिखा है ब्राइटनेस, और स्वयं प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस के जो हमारी बुद्धि होती है, प्रज्ञा का मीनिंग बुद्धि होती है, वो भवतु यानी मे भी हमारे पास अगर जो ये दो चीज होती है हम उसका अच्छी तरह से यूज करें। तो आगे की लाइन में बहुत अच्छी और एक लाइन हमें दी है, यदि अस्मासु, यदि यानी कि अस्मासु यानी बी किम यानी जो हमारे पास ये दो चीज हो, तो आत्मश्रद्धा अस्ति यानी हमारे पास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो तभी यानी देन, काफी यानी एनी, और सिद्धि यानी सक्सेस, दुर्लभ नास्ती, दुर्लभ का मतलब होता है डिफिकल्ट, और नास्ती यानी इज नॉट, जो हमारे पास अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो दुनिया की कोई सक्सेस को कोई डिफिकल्टी आने का कोई उसको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लास्ट लाइन में अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठ धनुतर अभवत, अनंतरम यानी देन, आत्मश्रद्धा सेल्फ कॉन्फिडेंस बल यानी स्ट्रेंथ, सह श्रेष्ठ यानी एक्सपर्ट, धनुधर यानी आर्चर, और भवत यानी कुटी यानी आगे जाके एक बेस्ट आर्चर बन गया। और आगे की स्टोरी आपको पता है कि फिर उसके पास द्रोणाचार्य ने जाके क्या किया, बोला कि भाई तू तो मेरा शिष्य है, और पहले के टाइम में ऐसा था कि गुरु अपने शिष्य के पास कोई भी दक्षिणा मांग सकते थे, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के पास मांगा कि तू मुझे गुरु दक्षिणा दे, तो एकलव्य ने बोला कि हाँ मैं आपकी वजह से इतना अच्छा आर्चर बना हूँ, तो आप मांगो, आपको क्या गुरु दक्षिणा में चाहिए। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे तेरा राइट हैंड का एक थंब चाहिए, और उसी टाइम जैसे ही उनके मुँह से वर्ड निकले उसी टाइम वो उसने क्या किया, वो निकाल के दे दिया। फिर आगे सुना गया ऐसे ये हमारा ये नहीं होता है, हम तो कुछ भी काम हमारे जो पकड़ होती है जो मजबूत रख सकते वो नहीं होता है, तो उसी टाइम वापस से एक अच्छा एग्जांपल एकलव्य ने हमें सिखाया कि उसने वहाँ नर्वस नहीं हुआ, उसने दूसरे हाथ से भी यानी ए फोर फिंगर से भी ट्राई किया, और दूसरे हाथ की हेल्प लेकर और वो वापस एक अच्छा आर्चर बन गया। और आज जब एक अच्छे आर्चर की बात करते या सुनते हैं तो हमारे सामने दो नाम आते हैं, एक अर्जुन का और दूसरा आता है एकलव्य का। यहाँ हमारी बहुत अच्छी स्टोरी है, ये स्टोरी आप याद रखेंगे, और मैंने जैसे भी वर्ड यहाँ
वर्ड तू थ्री टाइम लिखने के, तो ये सारे वर्ड है ना आपको आपके ट्रांसलेशन लिखने के टाइम में काम मदद में आएंगे, उसके यूज करके आप बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर पाएंगे।